Hey guys, welcome back to my channel. My name is Surbhi and my channel name is Iconic Surbhi. So today I am here to share with you some products which I ordered from Nykaa. So जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मेरे टेबल पे कुछ Nykaa के प्रोडक्ट्स रखे हैं. एक पार्सल रखा है बड़ा सा. एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने Nykaa से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, लाइक जो जो मुझे नीड थी, जो जो ज़रूरत थी मुझे. मेरे घर में शादी थी तो इस वजह से मैंने कुछ ना कुछ मेकअप से रिलेटेड और कुछ पर्सनल यूज़ से रिलेटेड मैंने ऑर्डर किया था. तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ आपके साथ. मैंने बहुत टाइम से वीडियो भी नहीं बनाई है. एक्चुअली मैं रेगुलर नहीं रह पाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, बट अब वो सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हो चुकी है. तो अब मैं रेगुलर रहने की कोशिश किया करूँगी. मतलब जब भी कुछ मैं ख़रीदा करूँगी या फिर जो यूज़ किया करूँगी उसके पूरे रिव्यूज़ आपको टाइम टू टाइम दिया करूँगी. और कुछ सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करूँगी, जैसे कि मेकअप लुक्स की और सभी चीज़ों की. मेरी फ़ोन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि अब फिक्स हो चुकी है. सो लेट्स गेट डाइव इन टू द वीडियो. बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो. ओके, सो आई हैव अ ह्यूज पार्सल फ्रॉम Nykaa. सो मेरे पास बहुत से जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द अफोर्डेबल होंगे, बट जो अफोर्डेबल नहीं है प्लीज़ उसको आप एडजस्ट कर लेना. बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो अफोर्डेबल रेंज में नहीं होती. लाइक हम अफोर्ड नहीं कर पाते उन चीज़ों को, और पर फिर भी हमें ज़रूरत होती है तो हमें लेनी पड़ जाती है. तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊँगी फ्लिपकार्ट के दो प्रोडक्ट्स. दिस इज़ फ्रॉम फ्लिपकार्ट. ये ब्यूटी ब्लेंडर है इन द शेप ऑफ मशरूम टाइप. लाइक ये मशरूम टाइप का ब्यूटी ब्लेंडर है. यू कैन सी प्रॉपरली अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है. और ये सेट आया था मेरे पास, फाइव मतलब ब्यूटी ब्लेंडर्स का सेट था ये, जिसमें से मेरे पास थ्री हैं. मैंने अपनी दो मम्मा को दे दिए. सो आई थिंक इट कॉस्ट मी अराउंड 129 और मे बी 150. 150 के अंदर मुझे ये ब्यूटी ब्लेंडर्स पाँच मिल गए थे. इस वाले डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर ये पैक होके आए थे. अच्छे से पैक होके आए थे, इस पॉली रैप के अंदर ये पैक होकर आए थे. मैंने एक यूज़ कर लिया है, मतलब अपने तीन में से मैंने एक यूज़ कर लिया है और बाकी ये मेरे दो बचे हुए हैं. सो मैं इन फ्यूचर यूज़ करूँगी. रिव्यूज़ के लिए अगर मैं बोलूँ कि ये ब्यूटी ब्लेंडर कैसे वर्क करते हैं, तो जिस हिसाब से प्राइस पॉइंट है उस हिसाब से तो ये सॉफ्ट भी हैं, अच्छे भी वर्क करते हैं. लाइक आपके फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर देते हैं आपके फेस पर, और बहुत अच्छे से मतलब आपके फेस में अब्सॉर्ब हो जाती है वो चीज़, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो ब्यूटी ब्लेंडर मतलब अब्सॉर्ब कर लेता है. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे. लेकिन मुझे ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, बट ऑन द प्राइस पॉइंट आई कैन से दैट मैं इसको 5 स्टार तो नहीं दे सकती, बट 4 स्टार्स दे सकती हूँ. मतलब इतनी भी घटिया क्वालिटी नहीं है. अगर आप अफोर्डेबल कुछ लेना चाहते हैं तो अफोर्डेबल वाली रेंज में आपको ये अच्छे लगेंगे, मतलब काम चल जाएगा. सो नेक्स्ट इज दिस फ्रॉम ऑल्सो द फ्लिपकार्ट. तो ये कुछ ब्रश के सेट हैं. मेरे पास अच्छे ब्रशेस नहीं थे और मैं अच्छा मेकअप उस टाइम पे कर भी नहीं पाती थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ब्रश सारा काम ब्रशेस का ही होता है, ठीक है. तो ब्रशेस का भी कंट्रीब्यूशन होता है आपके अच्छे मेकअप में. तो ये हैं वो ब्रश जिसमें से 5 फेस ब्रशेस हैं. मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ब्रश किसके लिए है, बट सारे के सारे एक जैसे दिखाई देते हैं मेरे को. तो बस शेप्स अलग हैं, यहाँ से शेप्स अलग हैं, इसके ब्रिजल्स अलग हैं. ये पाउडर ब्रश है, ठीक है, ये वाला. एंड दिस इज़ द ब्रश फॉर द ब्लश. और इससे भी आप पाउडर और ब्लश के लिए यूज़ कर सकते हैं. लाइक मोस्टली ऑफ द ब्रश की शेप जो है थोड़ी सी सिमिलर है, ठीक है. और ये आई थिंक आई डोंट नो फॉर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस ब्रश, मुझे नहीं पता, बट जो भी है ठीक है, यूज़ करेंगे तो समझ आ जाएगा. तो ये 5 ब्रशेज़ हैं. एक और रह गया, ये 5 ब्रशेज़ हैं जो फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किए थे. ये 5 फेस ब्रशेज़ हैं. एक्चुअली 10 ब्रश का सेट है, और ये 5 ब्रशेज़ जो हैं, ये 5 ब्रशेज़ हैं आई ब्रशेज़, ये आईज़ के लिए हैं, ठीक है. तो ये भी मोस्टली सेम ही दिखते हैं, मतलब शेप से थोड़े बहुत अलग हैं. कुछ क्रीज के लिए है, ठीक है, कुछ आपके आईलिट के लिए है, कुछ आपके अंडर आई के लिए है, ठीक है, यहाँ के लिए अंडर आई के लिए, कुछ आपकी क्रीज के लिए है, ठीक है, आईलिट के लिए है, यहाँ पर प्लेस करने के लिए मस्कारा वगैरह, क्या बोल रही हूँ मैं, मस्कारा नहीं, सॉरी, आई शेडो ग्लिटर वाला जो होता है. और ये भी आपके लिए प्रेस वाला जो ब्रश होता है ना, प्रेस करने के लिए आपका जो ग्लिटर वाला आई शेडो होता है वो फॉल आउट होता है, तो उस वजह से उसके लिए ये ब्रश है प्रेस आउट के लिए, ठीक है. सो ये 10 ब्रशेज़ का सेट है. अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, बिकॉज मैं यूज़ कर चुकी हूँ वो फ्लिपकार्ट से जो मैंने मंगाया वो वाला.
मशरूम वाला भी सेट और ये भी। ब्रशेस देखो अच्छे वर्क करते हैं, बट क्वालिटी वाइज और प्राइस पॉइंट पे ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि इनके ब्रिजल्स निकल रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे और भी ऐसे ब्रशेस हैं जिनके ब्रिजल्स जो हैं वो नहीं निकलते, मतलब मैंने यूज़ तो नहीं किया बट मैंने लोगों के रिव्यूज़ चेक किए हैं, लोगों ने बोला है कि मोस्टली ऑफ द लोगों ने उस ब्रशेस के सेट पर बोला था कि उसके ब्रशेस जो ब्रिजल्स हैं वो नहीं निकलते ब्रश के, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे वो स्टॉक आउट हो चुका था, स्टॉक इन तो था नहीं, तो मुझे उसकी जगह दूसरे सिमिलर मंगाने पड़ गए। लाइक आप फ्लिपकार्ट पे अगर ब्रशेस सेट डाल के चेक करोगे तो आपको इस टाइप के और भी कलर में और भी अलग अलग कंपनी के थ्रू आपको ब्रशेस मिल जाएंगे अलग अलग ब्रांड्स के। तो मुझे ये मिला था उस समय, स्टॉक इन था तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया और सेम प्राइस पॉइंट पे, लाइक किसी का 162 होगा, किसी का 250 होगा, इतने प्राइस पॉइंट पे आपको वहाँ पे अफोर्डेबल ब्रशेस मिल जाएंगे। लाइक आपके काम के लिए अच्छे हैं, वर्क भी अच्छा करते हैं, बट ये है कि ब्रिजल्स इसके थोड़े से निकल रहे हैं, तो क्वालिटी वाइज ये अच्छे उतने नहीं हैं, बट अभी के लिए मेरे लिए तो ये परफेक्ट हैं। जब आगे थोड़ी सी इनकम मेरी होगी तो मैं और ज़्यादा अच्छे में इन्वेस्ट करूँगी अपने पैसे। सो नेक्स्ट इज दिस, दिस इज़ अ पाउच फ्रॉम नायका। ये मैंने नायका से ऑर्डर किया था और इसमें मैंने अपने वही फ्लिपकार्ट वगैरह रख रखे हैं जो मैंने आपको दिखाए थे पिछली वीडियो में, एंड फ्लिपकार्ट एंड स्क्रंचीज रख रखी है वैसे, और वैसे तो मेकअप पाउच चाहिए बट मैंने अभी इसमें इसको ऐसे ही स्टोर कर रखा है। तो ये जो है पर्पल कलर का है, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी थोड़ा शाइनी मैट लुक में है पर्पल कलर का। साइज़ थोड़ा छोटा है, ये अराउंड 300 का था वहाँ पर, बट मुझे ऑफर में 200 का मिल गया। मैं आपको सारे प्राइस मेंशन कर दूंगी वीडियो में साइड में, तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत बता दूं अभी या गलत भूल जाऊं या मुझे, क्योंकि याद नहीं रहता है, ठीक है, तो उसके लिए आप प्राइस पॉइंट यहाँ पर चेक कर लेना। सो ये पाउच है, काफ़ी अच्छा है, मतलब चेन वाइज भी सही है, चेन भी इसकी ख़राब नहीं है, ठीक है। एक ही इसमें पॉकेट है, मतलब एक ही कंपार्टमेंट दे रखा है, ठीक है। तो ये 200 का है, मुझे 200 कॉस्ट पड़ा था, ओके। सो नेक्स्ट जो हैं वो सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने नायका से ऑर्डर किए हैं। सबसे पहले ये है पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल, ठीक है, ये आपको दिख रही है, नहीं दिख रही, आई नो, मुझे पता है आपको उल्टी दिख रही होगी, लेकिन हाँ इतना तो दिख ही रहा है कि क्या लिखा है। सो ये है पॉन्ड्स फॉर्मुलेटेड बाय द पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन। ये इसमें हाइलोरोनिक एसिड प्लस वाइटामिन ई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाइलोरोनिक एसिड और वाइटामिन ई दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड इट्स लाइक सुपर 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 स्लिपरी एंड वाटरी फॉर्म में है, देखो, ठीक है, वाटरी फॉर्म में है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, और इसकी स्मेल इज जस्ट लाइक वाव, समर्स के लिए बहुत प्यारी है ये, मतलब आप इसको समर्स में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मल वेदर में भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी और सर्दी भी ना हो, मतलब ऑल ओवर आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। समर में आपको इसको यूज़ करके रिफ्रेशिंग ही लगेगा, कोई चिपचिपापन नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये बेस्ट है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली ऑफ द प्रोडक्ट्स मैं खोल चुकी हूँ, लाइक ओपन कर चुकी हूँ और यूज़ भी कर चुकी हूँ, वीडियो बनाने में बस लेट हो जाती हूँ, ओके। सो नेक्स्ट इज़ दिस फ्रॉम लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम। मुझे पहले मैं लैक्मे का मॉइस्चराइजर यूज़ करती थी पीच मिल्क का, तो मुझे वो भी काफ़ी अच्छा लगता था, इसीलिए फिर मैंने ट्राई करने का सोचा सॉफ्ट क्रीम। इस पर मैंशन किया है 24 आवर मॉइस्चराइजिंग लॉक है, मतलब आपके स्किन पे जो मॉइस्चराइजर ये 24 आवर्स के लिए लॉक कर देगा। आई डोंट नो ऐसा होता भी है कि नहीं, बट या मोस्टली कुछ टाइम तो रहता ही है। एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द क्रीम, ठीक है, ये तो क्रेम है तो क्रेम की तरह ही इसका फॉर्मूला होगा, ओके। एंड इट स्मेल्स ऑल्सो वेरी नाइस, वही सॉफ्ट क्रेम जो मॉइस्चराइजर आता था ना लैक्मे का, अब भी आता है, तो उसी के जैसे स्मेल है इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस फ्रॉम गार्नियर स्किन नेचुरल्स। अब मेकअप करते हैं तो मेकअप रिमूव करने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्किन ख़राब हो जाती है अगर मेकअप ज़्यादा टाइम तक फेस पे रहता है। तो ये गार्नियर का मिसेलर क्लींजिंग वाटर है, इवन फॉर सेंसिटिव स्किन रिमूव्स मेकअप क्लींस एंड सूथ्स योर स्किन, नो रिंस ऑफ फेस, ये फेस आइज लिप्स तीनों के लिए है, नो एडेड फ्रेग्रेंस, नो एल्कोहल, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ऑप्टोमोलॉजिकली टेस्टेड भी है, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग राइट, सो सॉरी फॉर दैट। सो ये 125 ml है, इसको यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने, आप 125 ml 60 बार यूज़ कर सकते हैं, लाइक 60 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं वन एट टाइम, और ये कॉस्ट करता है 199 rupees, ठीक है, 200 rupees। और सीरियसली इन्होंने जो मेंशन किया है कि यहाँ पर कोई फ्रेग्रेंस कोई अल्कोहल ऐड नहीं है, लिटरली ये बिल्कुल वाटर है, लाइक मैंने जब इसको मैंने ऐसे करके अपने हाथ पे लिया और मुझे तो स्मेल्स मतलब अच्छी लगती हैं, स्मेल करने की आदत है मुझे चीज़ों को, तो
मैंने जब लिया तो मैंने देखा यार इसमें तो स्मेल ही नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता था पहले यहाँ पे मेंशन में जो था मैंने पढ़ा नहीं था, तो मैंने कहा यार इसमें तो स्मेल ही नहीं है, कहीं पानी तो भर के नहीं दे दिया बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने बाद में पढ़ा कि इसमें कोई फ्रेग्रेंस ऐड नहीं किए उन्होंने बिल्कुल, ये नो अल्कोहल नो पैराबेन वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी सही है ये। मैंने इसको यूज़ नहीं किया है बट इसको यूज़ करके मैं बाद में बताऊँगी आपको। ओके, सो ये जितनी भी चीज़ें थी अफोर्डेबल रेंज में ही थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आप इसके बड़े साइज़ लेते हो तो थोड़ा आपको कॉस्टली लग सकती हैं, वो भी ज़्यादा अंडर 400 या 500 आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है वो, सुपर लाइट पॉन्ड्स वाली और लैक्मे वगैरह की। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दिस फ्रॉम मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी ब्लश। ठीक है, ये ब्लश भी मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी तो मैंने लिया, और ये शेड है, दिस इज़ द शेड, कहाँ चला गया, दिस इज़ द शेड 50 आई गेस 50 है, पता नहीं 05 है, आई डोंट नो, मैं मेंशन कर दूंगी शेड इसका। ठीक है, वाइन लिखा है यहाँ पे बट जो शेड नंबर है वो मुझे क्लियरली मुझे नहीं समझ आ रहा, 50 ही है, हाँ 50 वाइन। ओके, मैं चेकआउट करके यहाँ मेंशन कर दूंगी। सो ये वाइन शेड है एंड द शेड इज वेरी 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 ब्यूटिफुल, लाइक वाइन कलर का है, यहाँ देखो। और अभी मैंने जो ब्लश यूज़ किया है यहाँ पे वो यही वाला ब्लश है। ठीक है, सो ये भी बहुत अच्छा सा है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा करता है अमाउंट के हिसाब से, वैसे ठीक है बट वैसे तो इसकी कॉस्ट है 440 रुपीज़, शायद मैंने इसको उतने में ही बाई किया या फिर ऑफर में, आई डोंट नो, आई फॉरगेट अबाउट इट, बट मैं चेक करके बता दूँगी आपको। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम नायका स्किन जीनियस बीबी क्रीम। ठीक है, ये बीबी क्रीम है एंड ऑल इन वन क्रीम है ये SPF 30 के साथ। मुझे, मैं सच बताऊँ तो मेरा ये जो शेड है, मैं एक बार आपको शेड बता देती हूँ और प्राइस बता देती हूँ। सो मेरा शेड है 02 सॉफ्ट बेज, वहाँ पे उन्होंने लिखा था, मतलब मेंशन किए हुए थे कि ये वाले जो शेड्स हैं वो इवन स्किन टोन के लिए हैं और ये वाले जो शेड्स हैं वो डार्क स्किन टोन्स के लिए हैं। ठीक है, तो मैंने इवन में से जो भी इवन स्किन टोन पे लाइक दो शेड्स थे उसमें से मैंने ये सिलेक्ट किया बेज वाला। मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, मतलब मुझे लगा कि मैंने शेड गलत पिक कर लिया जबकि उन्होंने वहाँ पे लिख रखा था कि इवन स्किन टोन के लिए वाला शेड है। अब आई डोंट नो कि मुझे बहुत डार्क लगता है, मतलब मैंने लैक्मे की बीबी क्रीम यूज़ की है, मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी, और ये देखो ये मुझे थोड़ी सी डार्क सी लगती है, आई डोंट नो आपको सही से दिख रहा है कि नहीं, ये थोड़ी सी डार्क सी लगती है, मुझे अपनी स्किन पे तो लगती ही है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको क्रीम के साथ मिला के यूज़ कर लेती हूँ तो ठीक रहता है, तो थोड़ा इसका लाइट हो जाता है। शायद बीबी क्रीम अब मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की है तो थोड़ी डार्क ही होने लगी है, आई डोंट नो। सो ये 30 ग्राम की है एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 349 रुपीज़। ठीक है, 350 रुपये की, और मैंने कम मिली होगी शायद। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम मेबेलिन न्यूयॉर्क द क्लॉसल वाटर प्रूफ मस्कारा। इसकी तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने इसका पहले मेबेलिन का दूसरा वाला मस्कारा यूज़ कर रखा है, वो आई थिंक रेड कलर का होता है, रेड और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन होता है, उसकी कुछ पैकेजिंग होती है, मुझे याद नहीं है, मैं बाद में आपको बता दूंगी कि कौन सा यूज़ किया था। वो भी बेस्ट था, मतलब मैं लगाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने आई लैशेज वेयर कर रखी हैं, और लोग मुझसे पूछते भी कि तुमने आई लैशेज वेयर की हैं, मैंने कहा नहीं भाई मैंने मस्कारा लगाया है केवल ओनली, और ये भी, और अभी भी मैंने मस्कारा लगा रखा है, लाइक देखो मैंने लैशेज नहीं लगाई हैं। ठीक है, सो इसका बॉन्ड भी बहुत अच्छा है मस्कारा का एंड इट इज़ जस्ट सुपर्ब, लाइक सुपर्ब, आप इसे बिना डाउट के बाय कर सकते हो, और ये अफोर्डेबल भी है, अल्ट्रा अफोर्डेबल है, मतलब आप इसको लेके रिग्रेट नहीं करोगे, वैल्यू फॉर मनी चीज़ है ये। तो मेबेलिन का पहले वाला मस्कारा जो मैंने यूज़ किया वो भी मस्त है एकदम, और ये वाला भी मुझे उससे बेटर लगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मेबेलिन का वो हाइपरलिंक मस्कारा था और ये वाला है द क्लॉसल वाटरप्रूफ मस्कारा, लाइक मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे मेबेलिन के मस्कारा, मज़ा आ गया। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ दिस फ्रॉम ऑल्सो मेबेलिन द क्लॉसल बोल्ड आई लाइनर। मेरा लाइनर भी खत्म हो गया था तो मैंने लाइनर मंगा लिया, अभी तक ये जो मैंने लगा रखा है ये तो ओरिफ्लेम का है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इसको यूज़ नहीं किया है बट जब यूज़ करूँगी तो मैं बता दूँगी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए इसका बॉन्ड जो है ये भी काफ़ी अच्छा है, बहुत थिन ड्रॉ कर सकता है ये, अभी तो मैंने मोटी ड्रॉ की है, ये देखो ठीक है ना, काफ़ी अच्छा है ये भी, तो आप इसको भी बाय कर सकते हो, ये भी 299 के अराउंड आपको कॉस्ट कर जाएगा, ये इस पर लिखा नहीं है,
या इस पे लिखा नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगी प्राइस साइड में। 3 ml है ये, ठीक है। सो ये भी मस्त है। एंड नेक्स्ट द माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम नायका जो मैंने यूज़ की, नायका मैट टू लास्ट। मतलब ये आई थिंक लग्जरी में से एक है, आई डोंट नो लग्जरी स्टोर से है ये या फिर अलग है उससे, आउटर है, आई डोंट नो। बट ये शेड है जानवी, ठीक है। मुझे न्यूड लिपस्टिक्स चाहिए थी, मेरे पास न्यूड लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये मैंने ऑर्डर की। एंड दिस न्यूड लिक्विड लिपस्टिक इज जस्ट bomb.com। और शेड भी इतना मस्त है ना, फॉर्मुला भी इसका अच्छा है, बिल्कुल लाइट वेट है ये आपके लिप्स पे। और आई डोंट नो व्हाट इज द, या द शेड का नाम ही जानवी है, ठीक है, जानवी शेड है ये। और जो मैंने अभी ये लिपस्टिक वेयर कर रखी है वो यही है। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है यार ये लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा प्रिटी इसका कलर है। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको मेरे लिप्स पे तो दिख ही रहा होगा, सी दिस इज़ अ न्यूड, ठीक है, बहुत प्रिटी है ये लिपस्टिक। मैंने सोच लिया है कि मैं और भी मंगाऊंगी, इसके और शेड्स मंगाऊंगी, बट ये न्यूड शेड पिंकिश टोन में, पिंकिश में तो नहीं, थोड़ा पीचस टोन में है ये, और बहुत प्रिटी है। लाइक आप देख ही सकते हो कि ये कितना अच्छा लगता है, न्यूड लिपस्टिक्स आप वेयर कर सकते हो फॉर कॉलेज एंड ऑफिस के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ न्यूड लिपस्टिक फ्रॉम नायका, एंड दिस इज जस्ट अनदर लव फ्रॉम मी। मतलब मैं इस बुलेट लिपस्टिक की दीवानी हो चुकी हूँ। ये मैट तो नहीं है, थोड़ा क्रीमी फॉर्मुलेशन में है, बिल्कुल आप मैट नहीं कह सकते इसको, इन्होंने बोल रखा है मैट, बट मैट नहीं है। और ये ब्राउनिश टोन में थोड़ा सा न्यूड है, एंड इट इज़ लव। एंड ये जो स्मेल करती है ना, लाइक ऐसा लगता है चॉकलेट वाली स्मेल है, और बस मैं स्मेल ही सुनती रह जाती हूँ इस लिपस्टिक की, लगाती कम हूँ, मन करता है इसे खा ज़्यादा जाऊँ, बट खा नहीं सकते। ये भी शेड बहुत अच्छा है, वेकअप मेकअप, और ये शेड बहुत ज़्यादा ट्रेंड, मतलब ट्रेंडिंग में है, मतलब लोग बोल रहे हैं कि ये न्यूड शेड इतना ज़्यादा अच्छा लगता है आपके लिप्स पे, वेकअप मेकअप ये शेड है, ठीक है। सो इसको भी आप बाय कर सकते हो, ये मेरी फेवरेट हो चुकी है, जब ये फिनिश हो जाएगी तो मैं और मंगाऊंगी, और इसके और शेड्स भी मैं मंगाऊंगी। बहुत अच्छी लगी मुझे ये लिपस्टिक, और जब इसमें से स्मेल आती है ना तो मतलब मैं फ़ैन हो जाती हूँ। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ NYB। ये NYB से मैंने काजल मंगाया था, द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल काजल, जो कि अफोर्डेबल है, सिर्फ 90 rupees का है ये काजल, एंड इट जस्ट bomb.com। लाइक ये भी बहुत अच्छा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, जो कि आजकल तो सभी लगाते हैं काजल वगैरह, जो काजल प्रेफर करते हैं, या जो लाइनर, आप इसको एज अ लाइनर भी अपने आपको अच्छे से लगाना आता है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो पिगमेंटेशन, और बिल्कुल जेड ब्लैक है, एक मिनट, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा काजल है ये, और अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। NYB की तरफ से है, द बिग एप्पल ऑफ माई आई, टंग ट्विस्टर हो जाता है, ठीक है। ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम माई ग्लैम लिट लिक्विड लिपस्टिक। ये मैंने एक्चुअली एक ऑफर चल रहा था तो दिवाली पे ऑर्डर कर दी थी। ये वैसे तो कॉस्ट करती है 395, यानी कि 400 rupees, बट ये मुझे 100 rupees में मिल गई थी। उस टाइम ऐसे ही कुछ ऑफर चल रहा था कि अपनी किसी भी गूगल की आईडी से आप इसको ऑर्डर करो या जो भी है, मुझे नहीं पता, तो मैंने तब ऑर्डर किया था, मुझे 99 rupees की मिल गई थी। फॉर्मुलेशन मैं कहूँगी इसका ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, लाइक फॉर्मुलेशन के मामले में ये बहुत ज़्यादा वॉटरी है, और मतलब मुझे इतना खास नहीं लगा, मैट भी नहीं है, जल्दी ड्राई भी नहीं होती, बट कलर अच्छा है, आई मीन शेड अच्छा है, शेड थोड़ा डार्क वाला है, ये वाइन कलर सा कुछ है, शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर कर लिया। मैंने कहा जब 400 की लिपस्टिक 99 में मिल रही है तो इट्स जस्ट द bomb.com प्राइस, ठीक है। तो ये वैसे तो यूज़ करने में अच्छी, आप यूज़ कर सकते हो, लाइक इतनी भी बेकार बकवास नहीं है, ड्राई होती है, थोड़ा टाइम लेती है, मैट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं करती, ठीक है बस, लेकिन अच्छी है, मतलब बुरी भी नहीं है बट ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। मतलब 400 के प्राइस पॉइंट पे ये मुझे अच्छी नहीं लगी, बट 99 में मिली तो मुझे ठीक लगी। अगर 99 में मिलती है तो ठीक है, वरना इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। ओके, सो टू लास्ट प्रोडक्ट्स आई हैव लेफ्ट, द वन इज फ्रॉम नायका, वंडर लस्ट कंट्री रोज डिओडरेंट, ठीक है, ये गर्ल्स डिओडरेंट है, एंड देयर इज अ मेंशन दैट ये आपके बॉडी पर 48 hours तक रहेगा, और या ये रहता है, मैंने यूज़ किया है इसको, इसकी स्मेल लाइक मेरे कपड़ों में रह जाती है, ये रोज़ वाले की तो रह जाती है, मैं दूसरे वाला भी दिखा रही हूँ, उसकी गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि वो मुझे इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगा, बट इस रोज़ वाले की स्मेल इतनी अच्छी है ना, एक बार मैं, मुझे पता है आप तक स्मेल नहीं पहुंचेगी, बट मैं ट्राई कर लूँ बिकॉज मैं स्मेल्स की एडिक्टेड हूँ, तो
ढक्कन दिखा रही हूँ हनी, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्ट करता है, ये तो बहुत लॉन्ग लास्ट करता है, आपके कपड़ों पे रह जाएगा ये काफ़ी टाइम तक, मतलब धुलने के बाद का तो नहीं कह सकती, बट अगर आप धुलेंगे नहीं या फिर जो न्यू कपड़े होते हैं जो एक दो बार पहन के आप नहीं धोते हैं, आप दोबारा सोचते कैसे पहन लेंगे, तो हाँ ये स्मेल अच्छी देता है, लॉन्ग लास्ट करता है। दूसरा वाला जो है फ्लेवर है वो है मेडिटेरेनियन सिया सॉल्ट, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग राइट सो सॉरी फॉर इट, मुझे नहीं पता कि ये क्या स्पेलिंग लिखी है, हाँ जो भी है फिलहाल आप सिया सॉल्ट से समझ लो, सिया सॉल्ट इस पर लिखा है, मेंशन किया है, तो ये फ्लेवर है सिया सॉल्ट का, नायका का, एंड इस पर भी वही लिखा है कि 48 आवर्स तक लास्ट करता है, 150 ml की बॉटल है। इसकी स्मेल मुझे रोज़ वाले से ज़्यादा पसंद है, इस वाले की स्मेल, लेकिन लॉन्ग लास्ट उतना नहीं करता, इसकी स्मेल ज़्यादा मुझे पसंद है, बट रोज़ वाले की ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करती है, इसकी उतनी नहीं करती, सो इट्स डिपेंड अप टू यू कि आप कौन सा बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। सो सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हु नीड्स दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रेगुलर रहूँगी, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं और मैं वीडियोज़ और जो भी कंटेंट है वो रेगुलर पोस्ट करती रहा करूँगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। उसके लिए आपको मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पास में जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आई नीड योर सपोर्ट एंड मुझे पता है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक मैं कोई कंटेंट नहीं भी डाल रही हूँ फिर भी आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, एंड टच वुड दैट इज़ अ गुड साइन फॉर मी। अब मैं मेहनत करूँगी पक्का और मैं आपको रेगुलर कंटेंट देने की कोशिश करूँगी, सो प्लीज़ मुझे प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, और जो भी आपको जिस टाइप की भी वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, अपनी जो भी आपकी मतलब क्वेरी है आप लिख सकते हो और मुझसे पूछ भी सकते हो, या फिर कोई डिमांड है तो आप डिमांड कर सकते हो कि इस चीज़ पर हमें वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर वीडियो लाने की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।